ममता दीदी रुकिए थोड़ा। दीदी कहाँ जा रहे हैं आप? खेत पर जा रहा है भैया। वो तो हम भी समझ ले कि हसुआ खुरपा या रस्सी लेके जा रहे, तो समझ गए खेत पर काम कर रहे, लेकिन फीतवा से की करबो? आज तक तो फीता खेत में देखबे नहीं करिए। श्री विधि से गेहूँ लगे लिया भैया, ओकर नमूना ले वाला जा रहा लिया, फीतवा से नाप के ले ही। ओ नमूना तो नमूना कुछ ही कहो, उतने से खेतवा में नमून में ले ली ना भैया, तो उतने से समूचे खेतवा के मतलब कट्ठा में कितना उपज होला है वो मिल जाए आंकड़ा इतने से। जैसे अब तसला में खाना बनावे है तो एक चावल निकाल के देखे तो मालूम हो जाए, अनुभव हो जाए कि पूरा चावल बस। अच्छा, वो मतलब कि पता चल जाए कि कितना मैंने कट्ठा में हो ले ना। हाँ, वही लाई फीत वाले ले जाए नाप केरा से काट लेवे गेहूँ। दीदी सिंपल वाले भोजे मैंने कहाँ पर खेत पर जरा हमरो चला ना, मैंने सीखिए ली जरा ये जे सिखा दे खेत वा बगले में ही चल हूँ जरी साहब। हाँ चलिए चलिए दीदी, हम भी सीख लेंगे जैसा। श्री विधि वाला यही खेतवा है भैया, यही गेहूँ है। अच्छा तो यही श्री विधि गेहूँ है दीदी। हाँ भैया यही गेहूँ है। वाह दीदी तो बहुत अच्छा पौधा करके दीदी, बाल भी बहुत बड़ा बड़ा है, इसका लंबाई भी बहुत ऊंचा है, और मूढ़ा भी देखो करवे करके है, एक गो मिला है कि 25-30 मैंने करनी कर रही दीदी। अरे दीदी रुपाई के रूल के दाना में दिलू है, एक जगह दो दो दाना दिलिए भैया, मात्र दो दाना। हाँ भैया दो दो। वाह दुए दाना में दीदी तो लाए कि 30-35 कल्ला कहीं कहीं पर नजर आवा दीदी। हाँ भैया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, तो ऐसे तो हमने कभी पैदे न हो ले आज तक हम देख ली, हम लोग भी तो खेती करे ही दीदी। एक में दू गो कोड़न देवे पड़ा है भैया, वही में कला निकला है और ज्यादा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, इस साल तो मौसम थोड़ा खराब रहा है बारिशा उरसा के कारण, वही से थोड़ा और काम कैल कर तो और ज्यादा कर रहा है। ठीक कहो, नहीं तो इतना बढ़िया पौधा हम कभी देखबे नहीं के लिए पैदा। दीदी नमूना ले वाला कह रहा तो नमूना कैसे लेते हैं जैसा, वो भी हमको दिखा दीजिए कैसे बताइए। ये खेतवा जो है ना, पूरे खेतवा से पांच जगह से लेवे नमूना। अच्छा पांच जगह से। हाँ भैया, वही रही फीतवा ले लिया, फीतवा से 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, मतलब की चारों कोना बराबर ऐसे भी वैसे भी फिर ऐसे और ऐसे, मतलब चारों तरफ बराबर। मैंने 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर इधर। हाँ, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से। हाँ भैया, तो मतलब कि एक वर्ग मीटर हो ली ना। हाँ, एक वर्ग मीटर हो गया। तो 1 मीटर कितना होती थी, कहाँ पर रही थी? 100 सेंटीमीटर का भैया। अच्छा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के मतलब 1 मीटर हो ना, वो इतने नापना है ना दीदी। हाँ, इतने ले वो एक मैंने ऐसे इतना नापना है, इधर से इसे नापना है ना। हाँ, और बाद इधर से फिर इधर। ओ ठीक कर दीदी। अच्छा नाप के इधर दिखावा। एक चीज ध्यान रखे के भी है, ये खेतों से जब समतल वाले ही ना। अच्छा, तो चारों कोना से लेवे के आए और एक बीचे से, ओ मतलब पांच जगह से, पांच जगह से ले जाए तो चारों कोना से ले जाए और एक बीचे से ले जाए। तो ठीक है, लेके दिखाओ हमरा, बताओ जैसा कैसे ले जाए। ठीक है भैया बतावे। देखो भैया यही नमूना ले, यही नमूना लेवे के तरीका है। अच्छा ठीक है दीदी ले। ठीक है लावा पकड़ा। हाँ। लावा ना पकड़ा भी नापा। हाँ। नापा नापा भी ऐसे पेड़ वाला पाग भैया। अच्छा ठीक है, ऐसे पता लग तो ऐसे पता ना लग तो। अच्छा ये 1 वर्ग मीटर हो ले। हाँ भैया यह हो गई 1 मीटर। ओ 1 वर्ग मीटर हो गई। हाँ ये। अच्छा अब ये से चिन्ह दे दो भैया। हाँ ठीक है, तब लपा दे। हाँ ठीक है। हाँ अब इन्ने आओ भैया, अब ऐसे ले लो। लपा दे। हाँ लपा भैया, ऐसे लपा गई भैया ये जो। हाँ एक ऐसे लपा दही चिन्ह दे दही ताकि पता लगता है। ठीक है अब उठाओ भैया, वैसे इन्हें कर रहा। हाँ ये नहीं हो गई भैया। हाँ ठीक है। हाँ वैसे
छीन हम पड़ जी तो कटे में आसान होता। लेकिन एक दिन बात दीदी। हाँ भैया, हमें ये समझ में नहीं तू इधर छोड़ करके नाप लू। ये नमूना लेवे के ही तरीके है भैया, इतना यारिया से ये से छोड़ दिलिया है। अच्छा, दो हाथ खाद दे में ना, ये खेत में भी खाद पड़ा था ने छिटकावा जा है, और ये खेत में भी पड़ा है तो आरिया तो मतलब कि एकरा तो इसी से बढ़िया होबा पैद बना, बढ़िया होबा या नहीं तो धू जानवर भी चर जाए चरागत भी जाए और से भी नुकसान हो जाए खा जाए तो। ओ समझ ली समझ, तो वही से इतना दूर दो हाथ छोड़ के आरिया से जब हम लोग भी लेंगे नमूना तो दो हाथ छोड़ के लेंगे। हां भैया, दो हाथ छोड़ के लेबो, मतलब यही नियम कर रहले। हां ठीक दीदी, चलिए तो सीख इन्हें आ जा भैया, इन्हें सुना ये हो गई भैया। हां ठीक, काट लेबे। अच्छा काट लेबे, इधर के चिन्ह दे देले। ओ की वाला काट लेबे, अब भैया काट लेबे इतना दूर से। हां अब रा काट ही भैया, रुकिए पकड़ो भैया, लाभा हल पकड़ेगा। बाद इतना अच्छा है कि देखो तो एक बार में एक के मुढ़ा कटवे करे जेबे कैले है, इतना खुजबे करे ही तरीकवा से लगावे ही तकी किसानवा भी खुश रहा थे, बहुत किसान ऐसे लगावे लगाल थे ना दीदी भैया इस तरीका से, पहले से अपन तरीकवा से लगावा थे भैया, ओकरा में कहते कि इतना ना होगा हमारा उपज। एक जगह से तो अब नमूनमा ले ली भैया, अब चल रहा है अलगे रख। अच्छा अच्छा ठीक है, दूसरा जगह ले दूसरा जगह से लेबे। हाँ ये रखे दीदी। हाँ भैया रखो ना, ठीक पहले नमूनमा तो वजह से ले ली ना भैया, अब उसी नमूनमा अब एजा से नाप के ले ले। ठीक है, लावा लावा जल्दी जल्दी काट दे। अच्छा दीदी। हाँ भैया, अब तो मतलब कि पांच जगह से काट के पांच जगह बांध लू। हाँ भैया, अब क्या करूँ? अभी पाँचों के गांव पर ले जी भैया। अच्छा, आई पाँचों जैसे जैसे अलग अलग बना लिया ना, वैसे पाँचों अलग अलग पीटे भाई, मतलब बीज बन निकाल। हाँ ठीक है जी, तो ले चलिए पाँचों, अब मैंने हम लोग चलें घर। ठीक है भैया, ले चलिए। सभी दीदी मम भैया को मेरा नमस्कार, मेरा नाम कुमारी ममता सिन्हा है, ग्राम बीछा कोल, सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ, जमुना जीविका महिला स्वलंबी सहकारिता समिति लिमिटेड का सदस्य हूँ, भूई पंचायत और राजगीर प्रखंड नालंदा जिला के रहने वाले हूँ। सभी दीदी को प्रणाम, मेरा नाम जयराम पासवान है और घर गुरौर और पंचायत गुरौर राजगीर प्रखंड छबीलापुर क्लस्टर के मतलब भी हैं और जिला नालंदा है। दीदी अब एकर बाद काकर बहु गेहूँ के खेत से पांच जगह से तो सन नमूना निकाल के लेवे के लिए भैया। हाँ दीदी, अब ओकरा पांचों के अलग अलग चूरबे या से ओकरा मतलब समूचे खेतवा के वजन करे लगी, उपज देखे ला कि कितना हो ले। हाँ, खेतवा में एक कट्ठा में मतलब पांचों आटीबा के मैंने अलग अलग मैंने चूरबे। हाँ भैया, अलग अलग चूरबे आ ओकरा चूर के वजन कर वही देखबी कि एक कट्ठा में कितना उपज हो ले। तो मैंने चूर के सबके फिर एक साथ वजन करबो ना भैया, ओकरा अलग अलग वजन करबे, ओकरा लगी सब सामान के जरूरत पड़े, सब दाना के अलग अलग मैंने वजन कीजिएगा भाई। हाँ पीटे वाला है। ओ, निकाल इसको से पीट के दाना निकालेगा ना। हाँ आई भैया, ये साफ कर इसको से मैंने भूसवा साफ कर। हाँ, भूसवा साफ कर। अच्छा आई तराजू है भैया, इस तराजू से तौल भैया है बटखारा, एरा से वजन करे ला होता है। मतलब कि पांचों के अलग अलग पांचों के अलग अलग वजन करबे। हाँ ठीक है, पांचों के वजन करके अलग आइया है भैया। पोलोथीन ये पोलोथीन में रखिएगा। हाँ, पांचों के अलग अलग पोलोथीन में और कॉपी कलम का ले लीजिए।
आई कॉपिया कलम भैया ले लिया वजन में करबे ना पांच अलग अलग तो जितना ग्राम होता है लिखना है ना भैया वहाँ से लावा थोड़ा पीटवे जरे हाँ ला ला पीटो लीजिए भैया पीट के तो अब ये मतलब साफ हाँ ये तो अब तैयार हो गए तैयार हो गए अब ये करना अब मेरा सूप सेरा साफ करें साफ कर होता है करो साफ करा देखो भैया साफ कर रही है ना भैया अलग रखवाए अच्छा पॉलिथीन में रखवे ना हाँ भैरा हटा दी अब दूसरे उधर से लाओ भैया अच्छा ला दूसर का पीछो देखो पीछे देखो भैया ये पांचों के चूर के अलग अलग कर ले लिया हाँ दीदी पांच जगह रख दे लिया अब देखो मेरा भजन करबो ठीक भजन करो हम भजन करो भैया तो लिखते जाइए ठीक है भजन करो हम लिखाइए लिखा 800 ग्राम और तब होंगे मतलब 600 ग्राम यानि 600 ग्राम ठीक है छह सौ ग्राम हो रही दीदी ये हो गलो 600 ग्राम 575 ग्राम हो भैया हाँ 575 ग्राम हाँ 575 ग्राम सब ठीक से लिखा लिख देलू ना भैया हाँ दीदी लिख तो लिया पांच सिंपल हाँ तो पांच एक में 800 ग्राम है ली हाँ। दूसरा में 600 ग्राम है हाँ तीसरा में 800 ग्राम है ली हाँ चौथा में भी 600 ग्राम है हाँ पांचवा सिंपल में वजन कर लू हमें 575 ग्राम है सब जोड़ देलू ना भैया हाँ दीदी सब तो जोड़ दिली अली 3375 ग्राम अली तेरा में पाँच से भागा दो भैया अच्छा इसके बाद पाँच से हम भाग दिए हाँ पाँच से भाग दी गई और 675 ग्राम अली 675 ग्राम अली भैया हाँ। भागवत दे दिलो भैया हाँ दीदी भाग तो दिली 675 अली लेकिन 675 कौची हो ली ना हमरा समझ में ली 675 ली ना भैया पांच जे नमूना ले ली ना हां ओकर औसत ली 500 औसत निकाल लू ना हां औसत हिसाब के निकाल के 675 ओ तो 675 ग्राम में जे मतलब बराबर कर दूं सब हां सब के बराबर हो के आ गए ठीक दीदी तो समझ गई हम अच्छा दीदी ये बताओ कि 675 ग्राम जे ले ये मतलब कि एक कट्ठा में होला है ना भैया एक वर्ग मीटर में आये अच्छा एक वर्ग मीटर में होले हाँ 675 आये ना जी एक वर्ग मीटर में एक वर्ग मीटर में हाँ तो दीदी हमरा अब तो कैसे पता चलती पूरा खेत वाले कैसे होले तो एक कट्ठा के निकाले के भैया तो 125 वर्ग मीटर बराबर एक कट्ठा हुआ है अच्छा 125 वर्ग मीटर बराबर हाँ है ना हाँ एक कट्ठा हुआ मैंने एक कट्ठा होले हाँ अच्छा अच्छा तो आप कौची कर भी तब इतना में 125 से गुना करवाए वो 675 में 125 से गुना करवे नालंदा जिला में 125 वर्ग मीटर बराबर एक कट्ठा है भैया और सब जगह के अलग अलग माप है लेकिन नालंदा जिला में 125 वर्ग मीटर बराबर एक कट्ठा हो अच्छा यहाँ मतलब कि 125 वर्ग मीटर की एक कट्ठा हो गई हाँ भैया और दूसरे जगह भी मैंने गया या कहीं अलग हो जाए तो मैंने हाँ या अलग अलग हो जाए ये मैंने गुना करिया है हाँ भैया वो तो हमें
675 जी यहाँ अयले ना सब अच्छा 125 से गुना के लिए हाँ, और हम 125 से गुना हाँ तो ये 84375 ग्राम हाँ भैया ठीक है वाले गुना यानी कि मैंने 84 किलो 375 ग्राम एक कट्ठा में इतना गले भैया हाँ जी एक कट्ठा में ले ठीक है गुना कह लो एक कट्ठा में कितना आए भैया अच्छा एक ये 84 किलो 375 ग्राम है दीदी एक कट्ठा में हाँ। अभी बताओ दीदी कि हम एक कट्ठा के लिए तो जानकारी हो गई हाँ। और एकड़ में निकाल भी तो कैसे होती नालंदा जिला भैया अच्छा। 32 कट्ठा बराबर एक एकड़ होगा 32 कट्ठा के एक एकड़ एक एकड़ होगा हाँ तो कैसे निकाल भी रहा 84 किलो 375 ग्राम जाएगी ना भैया एक कट्ठा में जी जी और हम 32 से गुना कर दो 32 से गुना कर दी तो एकड़ में आ जाते हाँ तो जी यही 2700 किलो हाँ भैया तो एक एकड़ के आगे ले आओ एक एकड़ के लिए होली 2700 किलो मतलब एक एकड़ में 2700 एक एकड़ में उतना आ गया दीदी हाँ भैया बताओ कि एक कट्ठा में जो 84 किलो 375 ग्राम है हाँ भैया ये तो दीदी लाए कि धूमन से भी ऊपर जा रहे हैं हाँ भैया तो नया विधि से जो लगावल है नया विधि से लगेगी हाँ हमने जो रोपा है पुराना विधि से हाँ पारंपरिक विधि से जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मैंने एक मन जा है 9% से तो ज्यादा जेबे ना कराए हाँ भैया तो नया तरीका से लगाओ ना भैया में उपज ज्यादा होबा है भैया अच्छा तो ये तो हम लोग भी ऐसे लगाना चाहिए दीदी फायदा है क्योंकि दो मन से भी ऊपर है सीधे हाँ भैया हाँ भैया एक फायदा है ये है हाँ ये तो दो गुना से ज्यादा जा रहे हैं तो हम लोग भी अब इसी विधि से चाहेंगे कि लगावेंगे हाँ भैया ये विधि से लगेबू तो उपज ज्यादा होबे करते हैं बहुत अच्छा है दीदी बहुत अच्छा उपज है जा रहे हैं अच्छा दीदी हाँ भैया दीदी लोग के लिए भी कुछ संदेश देबू हाँ भैया देखो उनको भी कुछ संदेश जरूर संदेश देवे सब दीदी से यही कह कि सब अपना अपना खेत के नमूना लेकर के अपना फसल के उपज का अनुमान लगा लेकर बाद ये श्री विधि से नया तरीका से जो हम लगे लिए है वैसे ही लगा के उपज बढ़ाओ और अधिक लाभ उठाओ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जो हमको आपने मतलब कि छोटा या बड़ा खेत का मैंने एक नमूना लेने के लिए सिखाए और ये सिखा दिए कि मतलब कि अपने खेत में बिना मतलब कि पूरे को काटे दौनी किए हुए अब सिंपल ले लेंगे अनुमान लगा लेते हैं हम लोग के कितना हमको पैदा हुआ और ये चीज़ को हम अपने गांव में भी जाकर प्रचार करेंगे और लोगों को भी बताएंगे इसके बारे में इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गाँव गाँव में श्री विधि लायो रे मोरे भैया है ज्ञानी गाँव गाँव में श्री विधि लायो रे मोरे भैया है ज्ञानी भैया श्री विधि